सा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप चाहते हो कि हम हमेशा आपकी समस्याएं उनका समाधान करवाने के लिए किसी न किसी प्रमुख डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसी हमारी जागरूक कड़ी के तहत आज हम पहुंचे हैं EMC हॉस्पिटल में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर जहूर अहमद परे जी से, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो आपके द्वारा जो आप समय समय से हमें सवाल भेजते रहते हो कि जिनको हम डॉक्टर साहब से पूछ के आप तक उनके जवाब पहुंचाते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर जहूर अहमद परे जी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब उनसे दिलवाकर आपकी हेल्प करने में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए डॉक्टर जहूर अहमद परे जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप दर्शकों को कृपया अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, मैं डॉक्टर जहूर अहमद परे। तो मैंने जो स्टार्ट किया है मेडिकल कैरियर, वो हुआ स्टार्ट MBBS और MD मैंने GMC श्रीनगर से किया है। उसके बाद मैंने पंजाब में आके आदेश बठिंडा में 1 साल लोगों की सेवा की है। तो उसके बाद मैंने DM न्यूरोलॉजी किया है, वो भी श्री कश्मीर सिक्किम से, यानी कि श्रीनगर से ही किया है। तो उसके बाद मैं काम करने के लिए मैंने अफ्रीका में कुछ टाइम काम किया है एज न्यूरोलॉजिस्ट एट जे हॉस्पिटल। तो उसके बाद यहाँ आके फिर मैं वापस पंजाब, क्योंकि पंजाब हमारा पास में है और पंजाब से हमारा दिली लगाव है, तो वापस मैं पंजाब मोगा काम करने आया। और उसके बाद अब मैंने EMC हॉस्पिटल अमृतसर ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने बारे में जानकारी दी। तो सर, दर्शकों का सबसे पहला जो सवाल हमें आया है कि लोगों को कई बार पता नहीं चलता, लकवा जिसको वो कहते हैं, लकवा हो जाना, उनका एक पासा एक साइड मारी जानी, वो क्या चीज़ होती है, उसके क्या लक्षण रहते हैं, क्या उस बीमारी को पर्टिकुलर हम बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा जो इशू उठाया है, मुझे लगता है ये सबसे बर्निंग इशू पूरी दुनिया में है, नॉट ओनली हेयर, पूरी दुनिया में ये सबसे बर्निंग इशू है। जो आप बोल रहे हो कि किसी का पासा अचानक से कमज़ोर होना, या किसी को हम लकवा बोलते हैं, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, चाहे ब्रेन में कुछ नालियाँ होती हैं। तो क्या होता है कभी कभी कि कोई नाली ब्लॉक हो जाती है या कोई नाली फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। तो उसकी वजह से जो ब्रेन में जब ब्लड नहीं पहुंचता तो ब्रेन खराब हो जाता है। जब ब्रेन खराब होता है तो उसकी वजह से हमारा कोई पासा कमजोर हो जाता है, या लकवा लग जाता है, या बात करने में दिक्कत होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, कोविड है, मैं आपको बताता चलूं, कोविड से उतनी डेथ्स नहीं होती है जितनी डेथ्स स्ट्रोक से पूरी दुनिया में होती है। पहली बात यह है, स्ट्रोक से हर साल कम से कम 62 लाख डेथ्स होती है पूरी दुनिया में, जो कि कोविड से बहुत ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि सिर्फ डेथ्स नहीं होती, साथ में लोग डिसेबल हो जाते हैं, लाइक किसी का पासा कमज़ोर हो गया, किसी को लकवा लग गया, तो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, लेकिन लोगों में प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, लोगों में एजुकेशन की इशू है, तो वो टाइम पे इसका इलाज नहीं कर पाते, इसकी प्रिवेंशन नहीं कर पाते। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रोक हैं, जो लकवा लगना है या पासा कमज़ोर होना है, ये प्रिवेंटेबल भी है, इसको आप बचा सकते हो खुद को इससे। और दूसरा ये कि अगर किसी को हो भी गया तो उसको आप ट्रीट भी कर सकते हो। तो बचाने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे स्ट्रोक से बचा जाए, कैसे लकवा होने से बचा जाए, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि स्ट्रोक जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल में चेंज ये करनी होती है कि पेशेंट को, हाँ, हर किसी इंसान को एक्सीडेंटरी लाइफ नहीं होनी चाहिए, पेशेंट हर कोई इंसान एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, स्मोकिंग को पूरा बंद करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से स्ट्रोक होता है। तीसरी बात, एक डाइट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें मोर वेजिटेबल्स होने चाहिए, मोर फ्रूट्स होने चाहिए। तो अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा हर किसी को, ताकि आगे से स्ट्रोक ना हो। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है
किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे स्ट्रोक हो जाते हैं। तो अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना होगा। किसी का ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो ब्लड प्रेशर का प्रॉपर इलाज करना होगा। या किसी को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज करना होगा। अगर इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब स्ट्रोक होता है तो लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उसका इलाज होना चाहिए, उनको पता नहीं चलता कि ये लक्षण स्ट्रोक के हैं या नहीं है। तो इस ज़मन में पूरी दुनिया में ये महसूस किया गया कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि स्ट्रोक क्या है, ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाए। क्योंकि एक स्लोगन है थ्रू आउट वर्ल्ड, एक स्लोगन है टाइम इज ब्रेन, या टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। क्योंकि अगर किसी इंसान को ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट हो गई तो जितनी देर वो कट रहेगी उतनी देर में ब्रेन डैमेज होता रहेगा। अगर जल्दी से वो हॉस्पिटल पहुंच गया तो जल्दी से ब्रेन ठीक हो जाएगा, अगर जल्दी से नहीं पहुंचा तो उसके बाद ब्रेन का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लक्षण के लिए एक स्लोगन था पूरी दुनिया में, अभी भी एक स्लोगन है, इसका नाम है बी फास्ट, बी ई एफ ए एस टी, बी फास्ट, यानी कि जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। बी का मतलब है कि एक लक्षण है, बी का मतलब है बैलेंस में प्रॉब्लम होना। पेशेंट कोई भी इंसान नॉर्मल है, अचानक से उसको चलने में दिक्कत हो गई, बैलेंस उसका बिगड़ गया तो ये स्ट्रोक हो सकता है। ई इज आई, कोई इंसान ठीक से देखता है, अचानक से इसका विजन ही चला गया, उसको अब कुछ दिखता ही नहीं है, तो इट कुड बी स्ट्रोक, ये भी स्ट्रोक हो सकता है। फास्ट, एफ का मतलब है फेस, कोई इंसान ठीक है अभी इसका फेस मुंह टीढ़ा हो गया तो इट कुड बी स्ट्रोक। आर्म, ए, अगर किसी का हाथ पैर कमजोर हो गया अचानक से तो इट कुड बी स्ट्रोक। एस, स्पीच, अगर किसी की स्पीच में अचानक से प्रॉब्लम आ गई, कोई अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से उसका बात करना दिक्कत हो रही है उसमें, या अचानक से वो बात ही नहीं समझ रहा है, तो इट कुड बी स्ट्रोक। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है जो तमाम लोगों को याद रखने चाहिए, बी फास्ट। और टी का मतलब है टाइम, किसी में भी ऐसे कोई लक्षण दिखे विथ नो टाइम वो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, बिकॉज स्ट्रोक ट्रीटेबल है। अगर टाइम पे इसका इलाज हो जाए, एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है जिसको हम अल्टीप्लेस बोलते हैं, टेनिंटीप्लेस बोलते हैं, अगर पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो हम उसको वो इंजेक्शन देके उसका वो क्लॉट जो है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई रुकी हुई होती है, वो वापस रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पेशेंट को एक दो घंटे में ही हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है वो सिर्फ 4.5 घंटे तक काम करता है, उसके बाद अगर पेशेंट आए तो उसमें हम वो इलाज नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी को भी ऐसे कोई लक्षण हो, लकवा हो, कोई पासा कमजोर हो गया हो अचानक से, तो ऐसे लोगों को तुरंत हॉस्पिटल अपने नज़दीकी जहां भी कोई न्यूरोलॉजिस्ट है तुरंत वहां जाना चाहिए, ताकि उनका इलाज सही से हो जाए और उनकी मौत को बचाया जा सके या उनकी डिसेबिलिटी को कम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी जो है वो लकवा स्ट्रोक के ऊपर दी। इसमें बहुत सारे लक्षण लोगों को नहीं पता थे जो कि आपने बताए, उसके लिए दर्शक बहुत बहुत आभारी रहेंगे आपके। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल जो हमें आया है वो होता है एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं, कि कई बार लोगों को ये एक पुराने समय से एक मिथ चला आ रहा है कि मिर्गी का दौरा अगर किसी को पड़ जाता है तो उसको लोग जूता सुंघाते हैं, बोलते हैं उसका वो ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ है या फिर ये उनकी सोच गलत है, ये एक प्रॉपर डिजीज है और इसका प्रॉपर एक डिजीज की तरह ही ट्रीटमेंट होना चाहिए? जी देखिए, जैसे आप हमें स्ट्रोक की बात कर रहे थे, तो वैसे ही जो आप बात कर रहे हो मिर्गी का दौरा किसी को आता है, जी जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है जी। क्योंकि मिर्गी जो है, जिसको हम लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लाइक स्ट्रोक हम इसको सीजर बोलते हैं या इसको एपिलेप्सी बोलते हैं, इसका सोसाइटी में बड़ा स्टिग्मा है। अगर किसी को है भी, वो लोगों को बोलना नहीं चाहता, वो इलाज नहीं करना चाहता। और बचपन से हमने ये देखा हुआ है या ये हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि मिर्गी जो है किसी को भूत प्रीत की वजह से है, किसी को और किसी चीज़ की वजह से है। इसलिए जब भी किसी को मिर्गी का दौरा आता है, लोग समझते हैं कि चलो इसको ये किया जाए, इसको ये सुना जाए तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, आजकल मेडिकल साइंस जो है वो इतना एडवांस हो चुका है कि एपिलेप्सी जो है अब ये पूरा पता है, इट इज़ 100% कन्फर्म ये एक डिजीज़ है,
एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट जो हैं ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिलेप्सी जो है, जो सीजर है या मिर्गी का दौरा है, ऐसे लोगों को प्रॉपर एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरोफिजिशियन, कहीं भी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उनकी जांच कर सके और इसका इलाज कर सके। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इम्प्लिकेशंस हैं। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है, वो 5 मिनट रहता है, 2 मिनट रहता है, उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका ठीक होने का मतलब ये है कि उस टाइम वो ठीक हो गया, उसको बार बार वो दौरे आते रहेंगे। जब बार बार दौरे आते रहते हैं तो उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज होता है। तो काफी टाइम तक ये दौरे जब कंटिन्यू रहेंगे तो उसका ब्रेन खराब हो जाएगा, उनको मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, यानी कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं रहते वो पेशेंट्स। अगर उनका इलाज टाइम पर किया जाए, ऐसे पेशेंट्स जिनका भी दौरा आता है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, तो उनका ब्रेन बचाया जा सकता है और वो एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बचपन में इलाज नहीं हो चुका है, फिर जब वो ब्रेन डिसेबल्ड हो गए, ब्रेन उनका खराब हो गया, फिर वो हॉस्पिटल आते हैं, फिर हम उनके सीजर कंट्रोल भी कर ले, फिर कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए अगर किसी को भी ऐसा कुछ है, लाइक दौरा है, मिर्गी का है, दौरा है, तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए, वो उसका प्रॉपर इलाज कराए, ताकि वो जिंदगी में बाकी सारी चीजें नॉर्मल कर सके, लाइक वो अपने एजुकेशन पे फोकस कर सके, अपने करियर पे फोकस कर सके। लेकिन अगर वो मिर्गी के दौरे को इलाज ना करे तो विद टाइम उनका ब्रेन खराब हो जाता है और फिर उसका इलाज का भी कोई फायदा नहीं आता। तो और ये एक बात है। अब चक्कर ये है कि लोगों को लगता है कि हमने MRI कर लिया या किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिया, वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो एपिलेप्सी है या सीजर है, ये एक स्ट्रक्चरल डिजीज मोस्टली नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जैसे हमारे घरों पर तारे होते हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट होता है, वैसे कुछ लोग हैं जिनके ब्रेन्स में शॉर्ट सर्किट होता है, उसी को हम दौरा बोलते हैं। तो ऐसे शॉर्ट सर्किट अगर घर में होते रहेंगे, रोज शॉर्ट सर्किट होते रहेंगे, घर की जो सारी वायरिंग है वो सारी खराब हो जाएगी। घर में जो भी हमने लगाया है, टीवी लगाया है, फ्रिज लगाया है, एसी लगाया है, वो सारा खराब हो जाएगा। सेम इंसान का है, अगर उसकी वायरिंग बार बार उसमें शॉर्ट सर्किट आते हैं ब्रेन में, तो उसका ब्रेन खराब हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस यही है लोगों से कि जिसको भी मिर्गी का दौरा आता हो, जिसको भी एपिलेप्सी हो, तो उसको प्रॉपर इलाज किया जा सके, इलाज कराना चाहिए और इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, और वो प्रॉपरली क्यूरेबल डिजीज है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छे दोनों जो सवाल थे, बड़े कॉमन सवाल, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बड़े लोगों को ये समस्याएं आती हैं, दोनों उनको नहीं पता चलता है क्या। उन दोनों क्वेश्चंस जो लोगों ने हमसे पूछे थे उसके ऊपर बड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ आपसे। आगे चल के फिर डॉक्टर साहब से किसी ना किसी और टॉपिक पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और जो लोगों के सवाल क्वेरीज होंगी उनका हल करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए नमस्कार।